जनपद संभल के धनारी थाना क्षेत्र में रात को गुजरने वाली ट्रेन में यात्रियों से लूट करने की कोशिश कर लुटेरों का विरोध करने वाले के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो अपराधियों को चंदौसी जीआरपी ने गिरफ्तार किया और उनका एक साथी फरार है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी रेलवे प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि 26 जुलाई को धनारी स्टेशन पर यात्री के साथ लूट करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फरार चल रहे लुटेरे की तलाश की जा रही है। सर, मेरा भारत सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, उसी समय जो बदमाश उसमें लूटपाट कर रहे थे, जब मैंने बंदे को पीटते हुए देखा तो मैंने इनसे कहा, भाई क्यों पीट रहे हो, ऐसे क्यों मार रहे हो, खून खान था। सर, इन्होंने मेरे तमंचे के दो लड़के थे, एक तीसरा और अंदर था, बल्कि एक लड़के ने मेरे तुरंत ही तमंचे की बट मार कर मुझे बेहोश कर दिया। फिर दूसरे वाले ने मेरे चोट मारी, फिर उधर ले गए मुझे खींच के, कह रहे साले में गोली मार दे। तो मेरे पर्स में 10,000 रुपये थे प्लस मोबाइल था मेरे पास। तो सर, इन्होंने मोबाइल निकाल लिया और मेरा पर्स निकाल के और मुझे उधर ले जा रहे थे झाड़ियों में खींच के। तो मैं किसी तरह से छू छाट के मैं अपने स्टेशन पर आ गया। मैंने कहा सर से, जो अपने स्टेशन मास्टर ने, मैंने सर मुझे यहाँ बंदों ने पीटा, ये बंदे को पीट रहे थे इस ट्रेन में, तब सर मुझे हॉस्पिटल धनारी पड़ता है। अच्छा, आज जो मुजरिमों को जेल भेजा गया है, ये वही लोग थे जो वही लोग हैं सर, बिल्कुल कबूल है उस चीज़ के लिए कि हाँ हमने इसे ऐसे ही कहा था इन्होंने और घर हमने ही मारा। आपने पहचाना? बिल्कुल पहचाना। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा भारत सिंह। आप रेलवे व्यवस्था? मैं सर हाँ रेलवे एम्प्लॉई हूँ, जगाधरी परीक्षाओं में नौकरी करता हूँ। सर, आज आपने जो धनारी लूट का खुलासा किया है, क्या मामला? 26 तारीख की बात है, पैसेंजर ट्रेन जो मुरादाबाद से अलीगढ़ जा रही थी, धनारी स्टेशन पर लगभग 9:45 रात्रि को एक यात्री के साथ घटना घटित हुई, जिसमें उनकी साइकिल को जबरन इन बदमाशों के द्वारा उतारा गया, जिस पर उनके द्वारा विरोध किया गया, तमंचे की बट से उनके ऊपर वार किया गया, उनका मोबाइल और कुछ पैसे जो थे पर्स में वो छीन लिए। इसी बीच जो एक सवारी भारत सिंह नाम का व्यक्ति था, जो नीचे प्लेटफार्म से पानी पी कर के गाड़ी में आ रहा था, उसने इस चीज़ का विरोध किया तो इन बदमाशों ने उसके ऊपर अटैक किया, उसके साथ मारपीट की और इंजरी पहुंचाई। और इसमें एक जो राजू नाम का बदमाश जो बराबर में खड़ा हुआ है और दूसरा धर्मेंद्र, ये दो बदमाश अरेस्ट हुए हैं। इसमें जो मोबाइल इनके द्वारा लूटा गया था, वो मोबाइल की रिकवरी हुई है। इसके अलावा 8 मोबाइल और बरामद हुए हैं, जिन तमंचों से इन्होंने मारपीट की थी, वो तमंचे भी इन दोनों लोगों से बरामद हुए हैं।